नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राकेश यादव है। मैं प्रतिनिधि हूँ प्रतिभा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। आज हम एक किसान के साथ में खड़े हैं और अपने साथ में SADO सर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विशिष्ट अधिकारी डिस्ट्रिक्ट आगर मालवा से है। जिन किसान का अपना जो प्रैक्टिस चल रहा था, उन्हीं किसान के प्लॉट पे हम सर को विजिट करवाने के लिए लेके आए। मैं सबसे पहले किसान का परिचय करवाऊंगा, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। अच्छा, आपका नाम मोहम्मद हुसैन है, कहाँ से हो आप? ये आगर में रहने वाला हूँ। आपके मोबाइल नंबर? खेड़ी में है। आपके मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 94254-29001। अच्छा, आप ये बताओ कि आपका जो खेत, इसमें कितना बीघा का प्लॉट है? ये पूरा 5 बीघा का प्लॉट है। आपने क्या क्या लगा रखा है इसमें? सिर्फ इसमें लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज लगा रखा है। अपन कब मिले थे? तकरीबन कम से कम 3 महीने से ऊपर हो गए। 3 महीने से ऊपर हो गए। उस टाइम पे आपकी जो लहसुन है उसकी कंडीशन क्या थी? बीमारी आ गई थी और ये पीली पड़ने लग गई थी, पूरी पत्ते खत्म हो गए। अच्छा, पत्ते खत्म हो गए तो उस टाइम पे मिले थे। मैं सर को भी विजिट करवाने के लिए लेके आया था और उस टाइम पे हमने आपको जो दवाई रिकमेंड किया था, उस दवाई से आपको कोई अंतर दिखा था? नहीं, कोई अंतर। जिस दिन से इन्होंने काम दवाई दिखाई और जब से जो इन्होंने बोला वही हमने काम किया, जिससे पोजीशन आज बनी हुई है और इस स्थिति में माल। अच्छा, आज इनकी जो लहसुन की क्वालिटी है ये है, लगभग सभी देख लीजिए, 90% इनका माल यही है। स्टार्ट में जब हम आए थे तो इनको मैंने वेक्टोजन दिया था और ब्रेसिका का स्प्रे करवाया था। भारत गोल्ड प्लस की जो बाल्टी है वो अपन ने डलवाया था गोबर की खाद मिला के, ये इनका फर्स्ट डोज था। सेकेंड डोज में अपन ने इनको जेनेक्स डलवाया था, जेनेक्स के बाद में कोकोली भी डलवाया था और आज इनके खेत की कंडीशन अपन देख सकते हैं। मैं अभी डिस्कस करूँगा डॉक्टर KL कनासिया सर, जो SADO सर है। सर आप भी बताओ, आपको क्या लग रहा है इसमें? प्रतिभा बायोटेक का एक तो जो वेक्टोजन है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने इसको चने और मसूर में भी यूज़ करवाया, जिसमें विल्ट आ रहा था वहाँ पे उसने विल्ट कंट्रोल कर दिया। जी। उसके बाद जो ब्रेसिका था, ब्रेसिका जहाँ पे ज़्यादा ही पत्तियाँ खराब हो गई थी वहाँ पे उसने वापस उसको रिकवर करके हरेपन में ला के खड़ा कर दिया, जिससे क्लोरोफिल बनने लगा और पौधा वापस काम चालू कर दिया उसका। तो लगभग रिजल्ट बहुत अच्छा है। रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि फालतू का खर्चा छोड़ के किसान या तो कृषि विभाग में सलाह ले या उद्यानिकी में सलाह ले। जी जी बिल्कुल। और हमारे द्वारा जो भी कंपनी वाले हैं उनको हम बोलेंगे, दुकानदारों को भी हम रिकमेंड करेंगे वो दवाई। और प्रतिभा बायोटेक जो लिमिटेड है उसके प्रोडक्ट जो भी है बहुत अच्छे है, मैंने सभी दूर यूज करवाए हूँ। तो मैं चाहूंगा कि सभी किसान भाई अच्छे प्रोडक्ट यूज करें और फालतू के खर्चे से बचे। जी बिल्कुल, ताकि उनको मुनाफा हो। जी बिल्कुल सर, जैसे कि इनके प्लॉट में लहसुन और प्याज दोनों लगा हुआ है, दोनों की कंडीशन बहुत अच्छी है सर। जी मैं आपको स्टार्टिंग में भी लेके आया था, अभी भी आपको लेके आया हूँ। लगभग बहुत अच्छा है, इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है किसान भाइयों को मेरा भी यही संदेश है कि अननेसेसरी खर्चा करने से बचे और जो भी कृषि अधिकारी है जैसे कि SADO सर है, इनसे संपर्क करें और इनसे जो सलाह ले, ये जो रिकमेंड करेंगे वो प्रोडक्ट का यूज करें। और हमारी कंपनी का भी हर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप उनका यूज करें। धन्यवाद।